हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग। और आज फिर हम एक नए विज्ञापन के साथ, नई सूचना के साथ फिर वह एक बार फिर से स्वागत कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट वैकेंसी है, यानी कि बात करें आज होगी ये 23 और ये 21 को विज्ञापन जारी हो चुका था। और उम्मीद करेंगे कि काफ़ी विद्यार्थियों को उसकी अपडेट मिल चुकी होगी। अगर नहीं मिली तो आप इसे बेझिझक होकर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी अपडेट दूंगा। जितने समझाने की कोशिश करूंगा उतनी पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट में लिखिएगा। उम्मीद करूंगा कि आप जरूर हमारे वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप उन विद्यार्थियों के पास शेयर कर सकते हैं, जो अपने दोस्त या फिर फ्रेंड्स वगैरह हैं उनमें आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो दोस्तों काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। सिविल टेक्नीशियंस की पोस्ट यहाँ पे अपडेट कराई गई है और अधिकारियों की पोस्टें हैं। यहाँ पे बात करें हम तो आप लोग इसमें बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाएंगे और ऑनलाइन फॉर्म के जरिए ही आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन मैं आपके सामने ये और रखूंगा, एक छोटी सी वैकेंसी है अलग से, उसकी मैं बात करूँ तो ग्रुप बी में पोस्टें जारी हुई है, उसका भी एक जरा सी अपडेट देते हुए आगे बढ़ूंगा। वो इसलिए बताऊंगा क्योंकि दोस्तों अगर आप उसे देखना चाहेंगे या उसे ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे तो मैं उसके ऊपर पूरी अपडेट के साथ शाम को नया वीडियो के साथ नई शुरुआत करूंगा। इसलिए मैं आपसे अपडेट करूं और आप उसे उसके ऊपर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या उसको आपको उसके अपडेट आपको चाहिए या नहीं चाहिए। बात करें तो दोस्तों ये अभी जो जिसकी हम बात करने वाले हैं ये इसका विज्ञापन है। और सेकंड वैकेंसी की मैं बात करूं जिसका विज्ञापन, ये इसका विज्ञापन है, ये बिल्कुल अलग है, ये एकदम गवर्नमेंट और परमानेंट है। इसमें बात करें 10वीं 12वीं डिप्लोमा वाले विद्यार्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं और इससे लेवल जो भी क्वालिफिकेशन है वो सभी विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें वॉचमैन, ट्रेडमैन और MTS की पोस्ट हैं, इसमें अलग अलग पोस्टें निर्धारित की हुई है। तो आप लोगों को ये वैकेंसी की अपडेट लेनी है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी अपडेट के साथ इसका वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। बात करें तो दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट से निकली हुई है, ग्रुप सी की पोस्टें अपडेट कराई गई है, तो ये इसकी अपडेट है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होगा तो मैं ज़रूर इसका वीडियो शाम की अपडेट करने वाला हूँ। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं उस वैकेंसी की मैं बात करूं तो दोस्तों ये मेट्रो की वैकेंसी हैं और इसमें स्पेशल ही जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया है। गुजरात मेट्रो से, यानी कि गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेट ऑफ इंडियन लिमिटेड की वैकेंसी हैं। भारत के सभी विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, बस आपके पास अच्छी खासी क्वालिफिकेशन और अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना जरूरी है। देखिएगा कितना एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस सच में जरूरी है या नहीं है, ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए विज्ञापन को देखिएगा। यहां पे देखिएगा GMRC का इनवाइट किया गया है, एप्लीकेशन फॉर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट आर यू फॉलोइंग पोस्ट के तहत इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें मिनिमम 3 या 5 इयर्स का स्टैंडर्ड ट्रेन का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें आपको यहां पे रखा जाएगा, उसके बाद आपको यहां पे परमानेंट किया जाएगा। इसमें जॉइनिंग जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और इसमें मैनेजर, सिविल मैनेजर, अलग अलग पोस्ट निर्धारित की हुई है। पोस्ट कोड यहाँ पे दिए हुए हैं 18 से 53 50 48 45 या 40 तक के विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों सीधी बात करें तो ये काफ़ी अधिकारियों की पोस्ट हैं और कॉन्टैक्ट बेस पे वैकेंसियाँ हैं। इसमें अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इसमें लगा सकते हैं। आप 1 ईयर के एक्सपीरियंस में अब क्या होना चाहिए इसकी बात हम करें तो आपके पास अगर अप्रेंटिस भी है तो भी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें आगे हम बात करें एप्लीकेशन के बारे में, एप्लीकेशन बिल्कुल ऑनलाइन जमा करवाना होगा, आप इसमें ऑनलाइन ही जमा करा सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो गुजरात यानी कि गांधीनगर में आपकी जॉब लोकेशन होगी। अब हम इसकी और डिटेल्स की बात करें या फिर एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन ये सब क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ें तो ये देखिएगा इसकी और मैं डिटेल बताऊं आपको तो यहाँ पे सैलरी पे भी बताया हुआ है, यानी कि आपकी जो सैलरी होगी वो इसमें निर्धारित किया हुआ है। इनकी डिटेल बताने से पहले मैं आपको इसके सिलेक्शन प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे किसी प्रकार का कोई एग्जाम आपको नहीं देना होगा। आपको बता दें कि ये बिल्कुल सीधी वैकेंसी है और इसमें आप लोग ऑनलाइन फॉर्म जमा करवा सकते हैं, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू के बाद आपको यहाँ पे इन्वाइट या फिर आपकी ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी क्योंकि एक फॉर्म भरने के लिए वही विद्यार्थी फॉर्म भरेगा जिसके पास BE और BTEC या सिविल इंजीनियरिंग की गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट या किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से है,
तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से कहूँ, काफ़ी अधिकारियों की पोस्टें हैं, तो आप अगर इसके पास थोड़ी सी भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास होगी तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि अगर आपके पास बीटेक या बीई है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके अलावा और कोई बीई बीटेक के अलावा एक्सपीरियंस होगा तो वो ज़रूर इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, क्योंकि सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, अधिकारियों की पोस्टें हैं, तो आप इसे ज़रूर समझ सकते हैं कि क्योंकि ये लेवल हाई लेवल की पोस्टें अपडेट कराएगी है। इसमें किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन अब बात करें आवेदन के बारे में, तो आवेदन आपको बिल्कुल ऑनलाइन ही जमा करवाना होगा। फॉर्म के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा, ताकि अब आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें और वहाँ से इस फॉर्म को जमा करवा सकते हैं। अब कैसे बात करें अप्लाई करने के लिए, ये दिखेगा, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, गुजरात मेट्रो पे खुद आप जाके ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो आप इसका लिंक देख लीजिएगा। मैं फिर से रिपीट करूँ, इसमें ना ही आईटीआई वाले विद्यार्थियों की डिमांड है, ना ही डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों की डिमांड है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बीई बीटेक वाले विद्यार्थी विथ एक्सपीरियंस वाले विद्यार्थी ही अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म का एक पेज का पूरा प्रारूप है, जिसमें आपके अपने डिटेल्स बेसिक डिटेल अप्लाई करनी होगी, अप्लाई करके सबमिट कर देना होगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो किसी प्रकार का कोई अपलोड या एप्लीकेशन फीस नहीं लिया जाएगा आपसे, चार्ज किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, चाहे भले ही वो कोई सी भी कैटेगरी का हो। इसमें महिला हो, महिला भी आवेदन कर सकते हैं, पुरुष हो, पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप गुजरात के हैं, भारत के किसी भी क्षेत्र के रहने वाले विद्यार्थी हो, सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन बात की जाए तो इंग्लिश आना जरूरी है, क्योंकि अगर गुजरात लैंग्वेज नहीं आती तो इंग्लिश आना जरूरी है। तो दोस्तों, ये विवरण है, उम्मीद करूंगा पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।